दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करें फ़ोन पे के बारे में। फ़ोन पे मैं बहुत दिन पे वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले बहुत पहले वीडियो बना के फ़ोन पे पे, लेकिन बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे लोग मुझे बोले थे कि फ़ोन पे पे सर एक वीडियो बनाइए जिससे कि हमारा पैसा वापस आ सके। यानी बहुत लोग का फ़ोन पे में पैसा फंस गया, यानी पेंडिंग हो गया है और पैसा उनको रिकवरी नहीं आ पा रहा है। मान लीजिए 500 या 200 या 1400 रुपये, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम है। तो मैं आपको फ़ोन पे में आपकी प्रॉब्लम बताऊँगा कि कैसे आप अपना पैसा वापस ला सकते हैं एक कंप्लेंट करने से। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा तो आपका खोया हुआ पैसा आपको फ़ोन पे से मिल जाएगा। फ़ोन पे आपको पैसा ऐसा नहीं है कि आपको फेक है पैसा फंसा देता है। आप सही ढंग से यूज़ जरूर करते हैं, लेकिन कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, कभी कुछ नेटवर्किंग की वजह से ये प्रॉब्लम आती है और ये पैसा आपका अटक जाता है। तो चलिए, कैसे आप इस पैसे को वापस ला सकते हैं इसके लिए साथ वीडियो पूरा पूरा आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझ पाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स गो, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फ़ोन पे को ओपन करना है, जैसे कि मैंने अभी ओपन किया। ओपन करने के बाद दोस्तों, जैसे कि ये ऑप्शन खुल गया, आपको हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में आपको सबसे पहले देखना ये है कि कौन सा पेमेंट आपका नहीं मिला है। तो पहले आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट आपका फेल्ड बता देता है, यानी वो पैसा आपका सेटल कर जाता है आपके डेट अकाउंट पे। अगर नहीं सेटल करता है तो इसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। फिलहाल फेल्ड किया हुआ पैसा हमेशा सेटल कर जाता है। आप देखेंगे क्योंकि जब आप पैसा भेज रहे होंगे तो वो पेंडिंग बता रहा है। तो अगर पेंडिंग आपको बता रहा है, तो ये जो पेंडिंग बता रहा है, तो ये पैसा जो है वो हो सकता है आपका कट गया है और आपको पैसा नहीं मिला है। तो इसके लिए आपको कंप्लेन डालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आप इसको यहाँ कॉपी लिखा हुआ कॉपी कर लें इसको, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है जो आपको स्टेटस पेंडिंग बता रहा है। तो चलिए हम इसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जैसे कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब हम यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको यहाँ ऊपर में एक सिंबल दिखाई देगा जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे आपको व्यू टिकट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। वहाँ पर जाना है, प्लीज़ वेट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए कई तरह के ऑप्शन दिखे हैं, यानी किस तरह का, मतलब किस तरह कंप्लेन आपको डालना है, आपका पैसा लेन देन में या KYC में इशू या ऑटो पे या मनी ट्रांसफ़र, यानी बहुत सारे रिचार्ज प्रॉब्लम, किसी भी तरह का जिस तरह का आपको प्रॉब्लम है। अगर रिचार्ज का पैसा फंस गया तो रिचार्ज पे क्लिक करेंगे, मनी सेंड करते हैं पैसा फंस गया तो मनी पे आप कैसे करेंगे। तो इशू विद द ट्रांजेक्शन, यानी हम ट्रांजेक्शन पे क्लिकेंगे, या तो यहाँ लिखा बैंक अकाउंट UPI, तो बैंक अकाउंट एंड UPI दोनों एक साथ है, तो चलिए हम इस पर ही क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए चेक यू बैलेंस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, ऐड बैंक अकाउंट के बारे में, UPI MIPN करके भी है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से बैक आते हैं। ये नहीं ऑप्शन है, इशू विद यू द ट्रांजेक्शन पे ही हम क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पे शायद ऑप्शन आ जाए, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पेज ओपन हो जाता है जिसमें मैंने ट्रांजेक्शन किया है। तो फिलहाल जो मेरा ट्रांजेक्शन फंसा है उस पर हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे, जैसे 1400 पे ये है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये सर्च लेने लगता है। सर्च लेने के बाद यहाँ पे आपको जो भी इशूज है वो आपको यहाँ बता देता है। मनी ट्रांसफ़र यू 1400 रुपये हैज़ बीन 72 घंटा, यानी 72 आवर्स में, यानी 3 दिन के अंदर ये पैसा आपको आपके उसी जगह से वापस चला जाएगा जिस जगह से पैसा कटा है। और यहाँ पे आपको टिकट आईडी नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, ये टिकट के जरिए आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम इससे क्या और भी क्या चीज़ मदद कर सकते हैं जिससे कि हमारा पैसा वापस आ सके। उसके लिए हमें व्यू टिकट पर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपको प्लीज़ वेट का ऑप्शन आज जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ देख सकते हैं इशू विद ट्रांजेक्शन इतना इतना आपका नंबर है और फंड ट्रांसफ़र स्टेटस पेंडिंग बता रहा है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या बताता है, फंड ट्रांसफ़र स्टेटस पेंडिंग, तो इसको मोर करते हैं। ठीक है, रिप्लाई में करते हैं, तो रिप्लाई में जैसे हम करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं अटैच ये फाइल, यानी आपको जो आपके इशू है, जो आपको प्रॉब्लम है, क्या आपको दिक्कत आ रहा है, तो वो उसका स्क्रीनशॉट आप खींच के यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो यहाँ से हम अटैच पे क्लिक करेंगे तो ये हमें गैलरी पे ले जाएगा। जो हमने अभी स्क्रीनशॉट शुरू में लिया था वो स्क्रीनशॉट हमें यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने इसे ऐड कर दिया है और यहाँ पे हम रिप्लाई पे डन कर देते हैं। जैसे ये डन करेंगे तो ये दिस फील्ड यू रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट जो मैंने अटैच किया। ठीक है, उसके बाद रिप्लाई कर दिए। ठीक है, उसके बाद और भी जैसे कोई इशू है तो आप अटैच कर सकते हैं।
फ़िलहाल ये इश्यूज हैं, ठीक है। दिस इज़ फेल्ड रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का ऑप्शन से ये आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप यहाँ पे रिमार्क में डाल सकते हैं। फ़िलहाल हम मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हम रिप्लाई में जो अभी मैंने एक ट्रांजेक्शन जो रेफरेंस नंबर था वो मैंने यहाँ पे जो कॉपी किया था वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, पेश कर दिया। अब यहाँ पे हम रिप्लाई पे करके इसको सबमिट कर देंगे। तो प्लीज़ वेट करना है और आपको ये जो रिप्लाई है वो सेंड हो जाएगा, देख सकते हैं। ये मेरा रेफरेंस नंबर हो गया और जो अटैच फाइल था जो मैंने स्क्रीनशॉट किया उसको वो मैंने भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने टिकट कूपन नंबर जनरेट किया वो यहाँ पे आपका व्यू करेगा और उसके बाद आपकी जो पेंडिंग स्टेटस है उसकी मैसेज आपको, अभी काफ़ी रात हो गया है तो हो सकता है ये नहीं काम कर रहा हूँ, आपको रात भर में ये आपको डिटेल्स 72 घंटे में आपको मिल जाता है। फ़िलहाल ये कल तक रिपोर्ट मुझे आ जाएगी। अगले दिन दोस्तों क्या वो जो पेंडिंग फ़ोन पे था क्या वो पैसा वापस आया, तो हम चलिए देख लेते हैं उसको। तो उसके लिए आपको सिंपली ओपन करना है, ओपन करने में आपको हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रदीप कुमार सिंह का जो रिक्वेस्ट था वो पेंडिंग था और एक पहला वाला मैंने किया था जो फेल हो गया था और जो इसके पहले जो था पेंडिंग था वो ऊपर में आ गया और यहाँ पर ओके हो गया, डिबिट हो गया है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो मैंने रिक्वेस्ट नंबर था जो ट्रांजेक्शन नंबर था सेम है 64 64 032, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करके और अपना जो स्क्रीनशॉट है उसको अटैच करके मेल किया था, मैसेज किया था, सेंड किया था, जो कि यहाँ ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, यानी इस बंदे को इस पैसे को मिल गया है। यहाँ देख सकते हैं प्रदीप कुमार सिंह के नाम से था, 1400 रुपये ये सेंड हो चुका है। और कहाँ से हुआ कैसे हुआ यहाँ आप देख सकते हैं, डेबिट फ्रॉम पेटीएम अकाउंट से 1400 रुपये। और अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं कि भाई आपका पैसा चला गया है तो आप यहां से शेयर बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे शेयर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधा वही व्हाट्सअप पर ले जाएगा, यानी आप जो भी ऑप्शन यहां पे चॉइस करेंगे उस पर आप ले जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद यहां पे जिसको भी आपको सेंड करना है उसका सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो सिंबल है जो पैसा आपने सेंड किया ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन आई डी इतना और प्रदीप कुमार 1400 रुपये और किस वगैरह जगह से गया सारा चीज पता चल जाता है। तो इसके ज़रिए आप अपने चीज़ों को वापस मंगा सकते हैं, या तो ये पैसा आपको आपके अकाउंट में चला जाता है, नहीं तो ये पैसा उस बंदे को चला जाता है जिसको आप सेंड कर रहे थे। तो इस से आप अपना पेंडिंग पैसा वापस ला सकते हैं या तो जिस बंदे को सेंड कर रहे हैं उसको भेज सकते हैं। तो इस जगह से आपका पेंडिंग पैसा जो भी फंसा हुआ है इस रिक्वेस्ट के ज़रिए आप अपना पैसा वापस ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो फोन पे के बारे में, अगर आपका पैसा फंसा हो तो इस तरह से आप अपना कंप्लेंट डाल के पैसे को वापस ला सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।